Namaste everyone, welcome to Strength Yoga Weight Loss Program Day 9. So Day 9 ka video shuru karne se pehle, jaisa ki main apni har video mein batata hoon, that if you are suffering from any kind of medical condition or medical injury, then you are not advised to follow this video. First you need to consult to your doctor, and then if your doctor advised, then you can of course follow the step of this video. Now, so Day 9 shuru karne se pehle, सबसे पहले जॉइंट ओपनिंग करनी है पूरे शरीर के जॉइंट्स की, जिसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है हमारे फेसबुक पेज पे. उसके बाद आपको, क्योंकि डे 9th है, कम से कम 16 to 20 सूर्य नमस्कार आपको करने हैं. और सूर्य नमस्कार करने के बाद जो आज का हमारा सीरीज़ होगी, फ्लो होगा, दैट स्ट्रेंथ योगा फ्लो, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग और थाई स्ट्रेंथनिंग के लिए काम किया जाएगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको एटलीस्ट 20 स्क्वाट्स करने हैं. स्क्वाट्स करने के लिए शोल्डर्स के बराबर पैरों को खोलिए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, दोनों हाथ आगे इस तरह, और सांस भरते हुए ऊपर. सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर. ये आपको 20 करने हैं और स्लोली करने हैं. अराउंड 10 सेकेंड्स में एक स्क्वाट होना चाहिए. सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर. सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर. और ये 20 करने के बाद आपको नीचे होल्ड करना है अराउंड 15 सेकेंड्स. और 15 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद आपको अपने दोनों फुट बाहर की साइड पुश करने हैं थोड़े से, एंड होल्ड योर टोज इस तरह से, और नीचे बैठना है. और नीचे जब आप बैठेंगे तो आपके एल्बो नीज को बाहर पुश कर रहे हैं, बाहर ये इस तरह से, और सामने देखना है इस तरह. श्वास छोड़ते हुए अब पैर पकड़नी है, पैर पकड़े रहेंगे, पैर नहीं छोड़ने हैं, पैरों को सीधा करने की कोशिश करना है. इस श्वास भरते हुए फिर से नीचे आइए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाइए. ये आपको कम से कम 5 बार करना है. फिर से नीचे जाइए, फिर से ऊपर आइए. और यहाँ से 5 बार करने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए. चेयर पोज में कुछ समय होल्ड करेंगे, कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद ऊपर आइए, दोनों हाथ नीचे. उसके बाद दोनों पैर मिलाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, 15 सेकेंड्स होल्ड करें. सांस छोड़ने के बाद दोनों हाथ नीचे रखिए, 15 सेकेंड्स होल्ड करें. श्वास भर के राइट लेग बैक ले जाएं, सामने देखिए, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड्स. अब यहाँ से लेग चेंज कर, लेग इस तरह से जंप करके आप चेंज कर सकते हैं इस तरह. ये इस तरह मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ. ये जो लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं वो ऐसे चेंज करना है 10 टाइम, और जो जंप करके चेंज नहीं कर सकते हैं वो किस तरह चेंज करें, ये पैर पीछे ले जाएं, दूसरा आगे लाएं, ये पीछे ले जाएं, दूसरा आगे लाएं. ये 10 टाइम आपको करना है. जब आप 10 टाइम करने के बाद, उसके बाद दोनों पैर पीछे ले जाइए, घुटने नीचे लगाएं, टोस पॉइंटेड आउट, चेस्ट एंड चिन डाउन. नाउ इनहेलिंग भुजंगासन, और सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाइए. पर्वतासन में होल्ड करना है. देखिए हर पोस्चर में आपको होल्ड करना होता है. यहाँ टोज हील चलाते रहें, और अगर हो सके तो दोनों हील जमीन से टच कराएं. और उसके बाद अपने दोनों नीज नीचे रखिए, टोज पॉइंटेड आउट, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एंड गो बैक. अब यहाँ से आपको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, हिप नीचे रख लेना, दोनों हाथ नीचे, और एल्बो से ग्राउंड को प्रेस करना है जितना कर सकते हैं. प्रेस करते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है, और एल्बो बेंड नहीं होगी, हिप्स जितना ऊपर आप उठा सकते हैं. सांस छोड़ते हुए इस तरह से फिर से वापस आना है, नीचे नी पे आना है, पीछे जाना है, फिर से नीचे जाना है, हाथों को प्रेस करना है, लिफ्ट योर हिप्स अप, प्रेस द ग्राउंड, कीप योर एल्बो स्ट्रेट, शोल्डर्स पे आपके प्रेशर आना चाहिए. फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे. ये 10 टाइम आपको करना है. इस तरह से नीचे जाएं, नीचे जाएं, ऊपर आए. उसके बाद लास्ट में 10 टाइम करने के बाद दोनों पैर ऊपर,
और दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, प्लैंक में आ जाइए, दोनों पैर उसके बाद अंदर लाएं जितना अंदर, और ग्राउंड को प्रेस करके रखेंगे, ग्राउंड को छोड़ना नहीं है, ना ही किसी का ऐसे हाथ उठेगा, ये अंदर जितना अंदर, चाहे आप यहाँ तक आ रहे हो, पर एल्बो से अपने हाथों से ग्राउंड को प्रेस रखें, ये अंदर आए पीछे जाएं, 10 times अंदर आए पीछे जाएं, 10 times करने के बाद नीज डाउन करेंगे, चेस्ट एंड चिन इस तरह, सांस भरते हुए कोबरा 10 seconds इसमें होल्ड करें, डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू रखने हैं, फिर से पर्वतासन में जाना है, और पर्वतासन में जाने के बाद 30 seconds होल्ड करने के बाद नाउ यू नीड टू टेक योर एल्बोज डाउन, राइट एल्बो डाउन, लेफ्ट एल्बो डाउन, होल्ड इन डॉल्फिन पोज, डॉल्फिन पोज से आपको पीछे चले जाना है सीधे, देखिए डॉल्फिन पोज को भी मैं साइड से दिखा देता हूँ, ये इस तरह से हेड ऊपर ही रहता है, और ट्राई करें ये हिप्स ऊपर, और यहाँ से सामने देखते हुए पीछे एल्बो प्लैंक, फिर अंदर आइए, ये भी कम से कम 10 बार करना है, फिर पीछे जाइए, फिर अंदर आइए, फिर पीछे जाइए, और 10 बार करने के बाद होल्ड इन प्लैंक, फिर 10 times हिप्स अप डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, फिर नीचे चले जाएं, दोनों हाथ चिन पे लगाइए, थोड़ा सा पैरों को इस तरह से चला लीजिए, कुछ समय के बाद 30 सेकंड रिलैक्स करने के बाद दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड, इनहेलिंग अप भुजंगासन डायनेमिक, डाउन अप डाउन 10 times, और लास्ट में जब 10 times ऊपर रुकिए यहाँ पे, और सांस छोड़ते हुए शशांकासन में आ जाइए, शशांकासन में आने के बाद 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको जो डायनेमिक भुजंगासन टू शशांकासन करना है 15 times, जैसे यहाँ पे कोई रोप बंधी हुई है रोप के नीचे से निकलना है, सांस भरते हुए वापस, 1, 2, ये 10 times, 3, इस तरह से 10 times करना है, लास्ट में पीछे रुक जाइए और ऊपर आकर बैठ जाइए, रिलैक्स योर शोल्डर्स। सो दिस वॉज द सीरीज फॉर टुडे, इस पूरे सेट को आपको 3 बार करना है, 3 बार करने के बाद फिर 5 minutes आपको शवासन में लेटना है। सो दिस वॉज फॉर डे 9, अभी हम डे 10 का वीडियो पोस्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।